नमस्कार दोस्तों, भटनेर IAS YouTube चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर संधु आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास। जैसा कि आपको पता है, हमारा पिछले कई दिनों से मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है, तो उसमें मुगल काल पढ़ रहे हैं। मुगल काल में हमने एक एक करके सभी मुगल बादशाहों को पढ़ लिया है, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक जो मुख्य बादशाह थे उनको हमने पढ़ लिया है। 1526 से लेकर के 1707 तक मुगलों का शासन रहता है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे मुगल प्रशासन की जानकारी लेंगे, मुगल प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं मुगलों का प्रशासन कैसा था, इसके बाद हम उनका जो कला है, साहित्य है, व्यापार वाणिज्य है, जो भी है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन आज हम सबसे पहले मुगल प्रशासन को पढ़ेंगे। तो मुगल प्रशासन में हम देखेंगे जो मुगलों का प्रशासन है या मुगलों के राजत्व का जो सिद्धांत है वो क्या रहता है। सबसे पहले हम देखेंगे मुगलों के राजत्व का सिद्धांत क्या था। इनके राजत्व का जो सिद्धांत है वो था शरीयत, शरीयत या हम कहेंगे कुरान के या कुरान के नियमों के अनुसार, नियमों के अनुसार शासन या प्रशासन को महत्व देना, महत्व देना, ये क्या था इनके राजत्व का सिद्धांत था। इससे पहले हम देखें प्रथम मुगल बादशाह कौन था, बाबर था। और बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की, कौन सी, बादशाह की उपाधि धारण की थी, उपाधि धारण करता है। बादशाह की उपाधि धारण करने का उसका कारण था कि वह स्वयं को खलीफाओं से मुक्त कर लेता है। यानी जो खलीफा है, हम देखेंगे जो सल्तनत काल है, सल्तनत काल में क्या था, खलीफा से जो है आशीर्वाद लेना पड़ता था, खलीफा के अनुसार ही शासन संचालन होता था। खलीफा का ही अपने आप को प्रतिनिधि मानते थे जो सल्तनत के सुल्तान थे, तथा खलीफाओं की सत्ता से स्वयं को मुक्त करने के लिए उसने क्या किया, बादशाह की उपाधि धारण कर ली। अब जो बाबर है, बाबर कहता है कि बादशाह है वह क्या है, सभी बंधनों से मुक्त है, सभी बंधनों से मुक्त है, यानी किसी के भी बंधन में नहीं है, स्वतंत्र है। जो बादशाह है वो क्या है, सर्वे सर्वा है, वह किसी के अधीन नहीं है, वह क्या है, संप्रभु है। तथा अब राजत्व के सिद्धांत में हम देखेंगे जो इनका राजत्व का सिद्धांत है वो राजतंत्रात्मक वंशानुगत रहता है। जो राजत्व है, राजत्व क्या रहता है, राजतंत्रात्मक वंशानुगत स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन था। जो सर्वे सर्वा था, हमने यहां पर देखा सर्वे सर्वा, जो सभी अधिकार होते थे वो किसमें केंद्रित होते थे, वो बादशाह में ही केंद्रित होते थे। किसमें केंद्रित होते थे, बादशाह में ही केंद्रित होते थे। सारी केंद्रीय शक्तियां किसके अधीन थी, किसके हाथ में थी, बादशाह के ही हाथ में थी। वो मुखिया भी बादशाह था, और जो न्यायिक पालिका का मुखिया होता था वो भी बादशाह होता था। कानून होते थे वो भी मंत्री परिषद होती थी, उसकी सलाह के अनुसार के वो सलाह दे सकते थे, उसके अनुसार बादशाह द्वारा ही अंतिम रूप ने दिया जाता था। तो इस प्रकार से हमने देखा जो मुगल बादशाह हैं या मुगल प्रशासन है, जो उसका हम देखेंगे राजत्व का सिद्धांत है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है, राजत्व के सिद्धांत के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे जो मुगल कालीन प्रशासन है उसे कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। या हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रीय शासन, फिर प्रांतीय शासन आ जाएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, परगना, सॉरी जिला
सरकार कहेंगे जिसे, उसके बाद आएगा ग्रामीण शासन, सबसे छोटी इकाई है जो, तो उसे हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या होता था, केंद्रीय शासन हम देखेंगे। केंद्रीय शासन कहेंगे या हम कहेंगे मुगल जो साम्राज्य होता था, मुगल साम्राज्य होता था। अब केंद्र को नीचे हम देखें, केंद्र के नीचे क्या थे, नीचे रहते हैं प्रांत, प्रांत। उसके बाद हम देखेंगे जो जिला है, जिला, जिले के बाद हम देखेंगे तहसील है, जो क्या है तहसील है। तहसील के बाद हम देखेंगे गांव आ जाएंगे या ग्राम आ जाएंगे। अब प्रांत को उस समय क्या कहा जाता था, सूबा कहा जाता था, सूबा कहा जाता था। और जिले को क्या कहा जाता था, सरकार कहा जाता था। अब जो तहसील है, तहसील को परगना कहा गया है, क्या कहा गया है, परगना। नीचे हमने देख लिया जो ग्रामीण शासन है, जो ग्राम है, ग्रामीण शासन है, इसे क्या कहा गया, सरकार। और प्रांत को या राज्य को या स्टेट को क्या कहा गया, सूबा। इस प्रकार से उन्होंने शासन का संचालन किया, इतने भागों में बांट लिया। तो हम यहां पर देखेंगे केंद्र में क्या होता था, मुगल सम्राट होता था, क्या होता था, मुगल जो सम्राट है। सूबे में जो प्रमुख होता था सूबेदार, और सरकार या जिले का जो प्रमुख है वो होता था फौजदार। यहाँ पर शासन संचालन कौन करता था, फौजदार करता था। और परगने में शासन का संचालन है जो किसके द्वारा होता था, शिकदार के द्वारा होता था। नीचे हम देखेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर हम देखेंगे खुत मुकद्दम या चौधरी है जो, ये क्या होते थे, ग्राम के मुखिया हुआ करती थी, खुत मुकद्दम चौधरी। इस प्रकार से जो मुगलों का शासन है ऊपर से लेकर के नीचे तक चलता था, इस प्रकार से अपना वो शासन संचालन करते थे। फिर से हम देख लेंगे इसको, मुगलों का जो राजत्व का सिद्धांत है, उनका प्रशासन है, किस प्रकार से चलता है। तो यहाँ पर हम फिर से देख लेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे जो मुगल प्रशासन है, जो मुगलों का राजत्व का सिद्धांत है, कौन सा, मुगलों का राजत्व का सिद्धांत है, उसके बारे में देखेंगे। किसके अनुसार होता था मुगलों का जो राज्य है, जो प्रशासन है, शरीयत के अनुसार। शरीयत यानी कुरान व हदीस के नियमों के अनुसार ही शासन का संचालन करते थे, शासन को महत्व देते थे। फिर हम देखेंगे बाबर जो प्रथम मुगल बादशाह रहता है, कौन, प्रथम मुगल बादशाह बाबर 1526 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। वह क्या करता है, बादशाह की उपाधि धारण करता है, किसकी, बादशाह की, यानी बादशाह की उपाधि धारण इसलिए करता है कि वह समय को खलीफा की सत्ता से मुक्त कर लेता है, खलीफाओं की से अपने आप को अलग कर लेता है। और बाबर क्या कहता है, जो बादशाह है, जो बादशाह है वह सभी बंधनों से मुक्त है, वह किसी के अधीन नहीं है, सर्वे सर्वा है, क्या है, सर्वे सर्वा है, संप्रभु है, सभी उसके अधीन है। तथा सभी केंद्रीय शक्तियां हैं जो किसके हाथ में थी, किसके हाथ में होती थी केंद्रीय शक्तियां, बादशाह के हाथ में होती थी, सम्राट के हाथ में होती थी। तो राजत्व के सिद्धांत में हम देखेंगे इनका जो प्रशासन था, जो शासन था, वह राजतंत्रात्मक था, यानी कि लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्रात्मक वंशानुगत था, पीढ़ी दर पीढ़ी, और स्वेच्छाचारी निरकुश शासन था मुगलों का। उसके बाद देखेंगे इसे चार भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से प्रशासन जो करने का तरीका है, विधि है, उसमें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे केंद्र है, केंद्र या मुगल साम्राज्य होगा, जो किसके अधीन था, सम्राट के अधीन था, सम्राट ही यहाँ पर सर्वोच्च था, बाकी इसके नीचे। उसके बाद हम देखेंगे जो वर्तमान हम देखें जो प्रांत है, प्रांत को उस समय क्या कहा जाता था, सूबा कहा जाता था। साम्राज्य को किस में बांटा गया, सूबों में बांटा गया। फिर प्रांत के अंदर देखेंगे हम जिला है, जिले में तहसील है, तहसील में गांव होते, उस समय क्या कहा जाता था। अब प्रांत को सूबा, सूबे के अंदर में देखेंगे हम अंतर्गत सरकार आता था, सरकार के अंतर्गत क्या आता था, परगना, और परगने के अंतर्गत ग्रामीण, यानी कि बहुत से ग्रामीण गांवों का समूह मिलकर परगना, और परगनों का समूह मिलकर सरकार, सरकार का समूह मिलकर सूबा, और सूबों से मिलकर
साम्राज्य बनता था, केंद्रीय शासन बनता था। इस प्रकार से हमने देखा मुगलों का प्रशासन। इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख जो प्रशासनिक विभाग हैं उसके प्रमुख है कौन कौन रहते हैं, उनकी जानकारी भी हम यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे केंद्रीय प्रशासन। क्या देखेंगे? केंद्रीय प्रशासन। तो यहाँ पर मुखिया कौन रहेगा या प्रधान कौन रहेगा? यहाँ पर रहेगा बादशाह। कौन रहेगा? बादशाह। अगर बादशाह के बाद कोई महत्वपूर्ण पद रहता है, बादशाह के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण पद रहता है तो वह रहता है किसका? वजीर का, या इसे वकील भी कहा गया है, वकील का, जो समय क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था। सबसे महत्वपूर्ण बादशाह के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होता था। और अकबर के समय हम देखते हैं, अकबर के समय आठवें वर्ष जो वजीर का पद है या वकील का पद है इसे अलग अलग कर दिया जाता है। यानी कि जो वकील का पद है, वकील का पद अलग कर दिया जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो वित्तीय शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं वो वकील से छीन ली जाती हैं, उसको नहीं दी जाती, वकील से छीन ली जाती हैं, वकील से छीन ली जाती हैं। वजीर का पद है जो अलग हो जाता है, जो वित्तीय शक्तियाँ हैं वो वजीर को दी जाती हैं। अकबर के समय हम देखेंगे बैरम खान नामे के एक व्यक्ति था, हमने पहले ही पढ़ा है जो बैरम खान है। बैरम खान वकील के पद पर था। किस पद पर था? वकील के पद पर था। लेकिन बैरम खान के द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप शासन में किया जाता है, जिस कारण से बैरम खान को मक्का जाने का आदेश दिया जाता है। यानी कि जो प्रशासन है उसमें उसकी दखलअंदाजी है, जो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाता, और वकील के पद से उसे हटा दिया जाता है। और उसके बाद देखें जो शाहजहाँ का पद है, हम देखेंगे शाहजहाँ आते हैं, जब मुगल बादशाह शाहजहाँ आते हैं, शाहजहाँ के द्वारा क्या किया जाता है? जो वकील का पद है उसे समाप्त कर दिया जाता है, वकील के पद को समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो वकील के पास वित्तीय शक्तियाँ होती थी वो किसको सौंप दी जाती हैं? वो दीवान को सौंप दी जाती हैं, दीवान को सौंप दी जाती हैं। ये हमने देख लिया वकील का पद है या पीएम का पद है। इसके बाद अगला जो पद है वो हम देखेंगे वित्त मंत्रालय या वित्त विभाग आता है। कौन सा आता है? वित्त विभाग। और वित्त विभाग का जो प्रमुख है वो कौन होता था? इसे हम या कहेंगे दीवान या वजीर जो है यह वित्त विभाग का प्रमुख होता था। सभी हम देखेंगे केंद्रीय शासन में हम देखेंगे जो वित्तीय शक्तियां हैं, जो वित्तीय शक्तियां हैं वो किसके हाथ में होती थी? दीवान के हाथ में होती थी। अकबर के समय हम देखेंगे जो हिंदू दीवान रहे या वजीर रहे, हिंदू दीवान रहे, उनमें प्रमुख थे एक तो राय पन्ना दास और दूसरा टोडरमल। दूसरा हम देखेंगे टोडरमल था, हिंदू दीवान राय पन्ना दास टोडरमल। और उसके बाद हम देखेंगे जो औरंगजेब है, औरंगजेब के समय हम देखेंगे सर्वाधिक 31 वर्षों तक इस यानी वजीर या दीवान के पद पर असद खां रहते हैं। कौन रहते हैं? असद खां। सर्वाधिक दीवान पद पर समय व्यतीत करने वाला व्यक्ति कौन था? असद खां। किसके समय रहता है? औरंगजेब के समय रहता है। यह था वित्त विभाग। इसके बाद हम देखेंगे केंद्र के जो वित्त विभाग से संबंधित प्रमुख अधिकारी रहते हैं उनमें हम देखेंगे दीवान-ए-तन। कौन से हैं? दीवान-ए-तन कौन है? प्रमुख केंद्रीय अधिकारी दीवान-ए-जागीर।
दीवाने जागीर, फिर है दीवाने ब्यूतात, दीवाने ब्यूतात। जो दीवाने तन है यह केंद्र में कर्मचारियों को वेतन प्रदान करता था। जो केंद्र है, केंद्र में कर्मचारियों को वेतन प्रदान करने वाला जो प्रमुख अधिकारी था वो क्या कहलाता था? दीवाने तन कहलाता था। फिर है दीवाने जो जागीर है, दीवाने जागीर, दीवाने जागीर का मुख्य कार्य था जो जिन्हें जागीरें प्रदान की गई थी या जागीरों में वेतन प्रदान करने वाला, वेतन प्रदान करने वाला जो प्रमुख केंद्रीय अधिकारी होता था। फिर है दीवाने बैतू ब्योतात, यह कारखाने का प्रमुख होता था। किसका? कारखाने का प्रमुख होता था या कारखाना प्रमुख रहता था। इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर केंद्रीय प्रमुख अधिकारी थे। उसके बाद हम देखेंगे सैन्य विभाग, सैन्य विभाग या सैन्य मंत्रालय, जिसका प्रमुख कौन होता था? मीर बख्शी। कौन होता था? मीर बख्शी होता था, यह इसका प्रमुख रहता है। मीर बख्शी की बात करें तो हम यहां पर, यह दूसरा विभाग है, मीर बख्शी जो मनसबदार होते थे, मनसबदार होते थे। मनसबदार का पद क्या था, किस प्रकार से था, इसके बाद हम देखेंगे। जब इनका सेना के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे जो मनसबदार क्या होते थे। मनसबदार की जो नियुक्ति थी, मनसबदार की नियुक्ति का जो आदेश है, आदेश किसके द्वारा किया जाता था? मीर बख्शी के द्वारा आदेश दिया जाता था। अब यहां पर हम देखेंगे मनसबदार और बादशाह, बादशाह के मध्य सेतु का कार्य, मध्य सेतु या हम कहेंगे कड़ी का कार्य किया जाता था। किसके द्वारा? मीर बख्शी के द्वारा, मीर बख्शी के द्वारा किया जाता था। मीर बख्शी के द्वारा ही सरकत नामक प्रमाण पत्र पर अपने सिग्नेचर किए जाते थे, हस्ताक्षर किए जाते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर हम देखेंगे जो कर्मचारी हैं उनको वेतन प्राप्त होता था, मनसबदारों को वेतन प्राप्त होता। यहाँ पर हम देखेंगे सरकत क्या है। सरकत क्या होता था? यह एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता था, प्रमाण पत्र होता था, और इस पर हस्ताक्षर होते थे। किसके होते थे? सरकत पर हस्ताक्षर होते थे, हस्ताक्षर होते थे मीर बख्शी। और इन हस्ताक्षरों के होने के बाद ही जो वेतन है, मनसबदार हैं या अन्य कर्मचारी हैं, इनको वेतन मिलता था, इनको मनसबदारों को वेतन आगे वितरित किया जाता था। इस प्रकार से था जो सैन्य विभाग, और सैन्य विभाग का प्रधान कौन रहता था? मीर बख्शी रहता था। इसके बाद अगला विभाग हम देखेंगे यहाँ पर जो धार्मिक विभाग होता था। कौन सा? जो धार्मिक विभाग होता था। इसके यहां हम देखेंगे दो प्रमुख होते थे इसमें। एक तो होता था सदर उसदूर। कौन सा? सदर उस सदूर। और दूसरा होता था काजी उल कुजात, जैसा कि हमने सल्तनत काल में भी पढ़ा है। कौन सा था? काजी उल कुजात। मुख्य रूप से देखा जाए तो यह पद, जो यह पद है, किसके पास होता था? एक ही व्यक्ति को ज्यादातर यह दोनों पद सौंपे जाते थे। सदर उस सदूर का कार्य क्या था? वह धर्म से संबंधित मामलों में बादशाह को सलाह देता था। और जो काजी होता था वह क्या करता था? मुख्य न्याय का मुखिया होता था। यहां पर हम देखेंगे जो सदर उस सदूर है इसका कार्य क्या होता था? इसका कार्य होता था धार्मिक मामलों की देखरेख करना या धार्मिक मामलों पर बादशाह, बादशाह को सलाह देना, बादशाह को सलाह देता था, या उलेमा वर्ग पर कड़ी नजर भी रखता था, कड़ी नजर भी रखता था उलेमा वर्ग। उसके बाद है यहां पर हम देखेंगे जो काजी उल कुजात का पद है। किसका पद है? काजी उल कुजात।
यह क्या होता था, मुख्य न्यायाधिकारी हम यहां पर कहेंगे, काजियुल जो को जात है, न्याय का जो मुखिया है, सामान्य जो न्याय का कार्य है, जो केंद्र में न्याय का कार्य देखता था, वो कौन होता था, काजियुल कुजात होता था। उसके बाद हम देखेंगे महत्सिब, जो पहले भी पढ़ चुके हैं हम, महत्सिब, महत्सिब का क्या होता था, कार्य क्या होता था, जो प्रजा है, प्रजा के नैतिक आचरण का, नैतिक आचरण का, आचरण का निरीक्षण करना, क्या करना, निरीक्षण करना ही इसका प्रमुख कार्य होता था। इसके बाद एक पद है या कर्मचारी अधिकारी और देखने को मिलता है, जिसका नाम है मीरदल। क्या था, मीरदल, मीर अदल का कार्य था, जो काजी के द्वारा, काजी के द्वारा जो फैसले सुनाए जाते थे या जो कार्य लागू किए जाते थे, सुनाए जाते थे, उनको लागू करना, काजी के द्वारा जो नियम बनाए जाते थे उन्हें लागू करना, लागू करने का कार्य है, वो किसके द्वारा किया जाता था, किसके द्वारा किया जाता था, मीर अदल के द्वारा। फिर काजियुल कुजात हमने देखा न्याय का मुखिया है, या हम कहेंगे न्याय विभाग का प्रधान, क्या कहेंगे इसे, न्याय विभाग का, न्याय विभाग का प्रधान रहता, न्याय विभाग का प्रधान है काजियुल कुजात। उसके बाद हम देखेंगे घरेलू विभाग, चौथा कार्य है घरेलू विभाग। घरेलू विभाग का जो प्रधान होता था मीर ए समा, कौन होता था, मीर ए समा कहा जाता था इसे, मीर ए समा। यह जो बादशाह होता था, बादशाह के जो घरेलू कार्य होते थे या महल के अंदर के जितने भी कार्य होते थे, ठीक है, प्रशासन से संबंधित जो भी कार्य होते थे वो किसके द्वारा किए जाते थे, मीरे समा के द्वारा किए जाते थे। मीरे समा घरेलू विभाग का प्रधान होता था, शाही जरूरतों को पूरा करने वाला अधिकारी होता था। क्या होता था, यहां पर हम देखेंगे शाही, शाही जरूरतों को, जरूरतों को पूरा करने वाला अधिकारी, पूरा करने वाला जो अधिकारी है, अधिकारी जो है वो कौन होता था, मीरे समा होता था। अकबर के समय हम देखें तो उससे पहले की बात करें तो जो मीरे समा है, बादशाह तक, बादशाह तक जाने की, जाने की अंतिम कड़ी होता था, अंतिम सीढ़ी इसे माना जाता था। अब फिर से दोहरा लेंगे हम, जो हमने पढ़े हैं मुख्य विभाग हैं जो उनके अधिकारी हैं उनके बारे में फिर से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रमुख पद होता था वो कौन सा होता था, बादशाह का होता था। प्रमुख पद कौन सा था, बादशाह का था। बादशाह के बाद यदि कोई महत्वपूर्ण पद था तो वो किसका था, वजीर का होता था। इसे वजीर या वकील भी कहते थे, वर्तमान की तरह देखें तो यह प्रधानमंत्री के पद के समान था। और अकबर के आठवें समय, आठवें वर्ष में हम देखेंगे जब अकबर का काल आता है, तो जब आठवां वर्ष आता है, यानी अकबर कब गद्दी पर बैठा, 1556 में, और आठवें वर्ष यानी कि 1564 में जो वकील का पद है उसे वजीर से अलग कर दिया जाता है, ठीक है, उसकी शक्तियाँ उसे छीन ली जाती हैं जो उसके पास उतनी पावर थी। क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे जो बैरम खान है, बैरम खान जो वकील के पद पर था अकबर के समय, और वह शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा था, इसलिए वकील का पद अलग कर दिया जाता है, और सारी जो वित्तीय शक्तियाँ हैं वो वजीर को सौंप दी जाती हैं या दीवान को, यानी हम यहाँ पर कहेंगे जो वित्तीय शक्तियाँ हैं वो वजीर को सौंप दी जाती हैं। लेकिन शाहजहाँ के समय क्या होता है, शाहजहाँ के समय जो वकील का पद है वह समाप्त कर दिया जाता है, किसके समय, शाहजहाँ के समय, यह वकील के बारे में था। उसके बाद अगला विभाग है जो हम देखेंगे यहाँ पर, वित्त विभाग रहता है, कौन सा रहता है, वित्त विभाग रहता है। वित्त विभाग का प्रधान कौन है, दीवान या वजीर। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो दीवान शब्द है, सबसे पहले हम देखेंगे जो दीवान शब्द है, दीवान शब्द
दीवान शब्द है जो यह केवल केवल बादशाह के वित्त मंत्री के लिए प्रयोग किया जाता था। किसके लिए प्रयोग किया जाता था? बादशाह के वित्त मंत्री के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द दीवान या वजीर, जो वजीर है, वजीर शब्द है, वह बादशाह के केवल बादशाह के वित्त मंत्री के लिए प्रयोग किया जाता था, वजीर शब्द। अब जो वित्तीय शक्तियां हैं वो किसके अधीन होती थी, किसके हाथ में होती थी? वित्त विभाग की, दीवान या वजीर के हाथ में होती थी। अब अकबर के समय हम देखेंगे प्रमुख हिंदू वजीर जो रहे, दीवान जो रहे, उनमें हम देखेंगे हिंदू दीवानों में राय पन्ना दास व टोडर मल रहते हैं। उसके बाद एक और ख्याति प्राप्त व्यक्ति है, औरंगजेब के समय रहता है, असद खान। इसकी विशेषता है औरंगजेब के समय सर्वाधिक 31 वर्षों तक वजीर के पद पर रहने वाला व्यक्ति कौन था? असद खान था। फिर हम देखेंगे कुछ केंद्रीय अधिकारी हैं, वित्त विभाग से संबंधित हैं जो, उनमें हम देखेंगे केंद्रीय अधिकारियों के बारे में। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो दीवान ए तन है, दीवान ए तन केंद्र में कर्मचारियों को वेतन प्रदान करने वाला, केंद्र में जो केंद्र के जो कर्मचारी होते थे उनको वेतन प्रदान करता था, उसे दीवान ए तन कहा गया। फिर हम देखेंगे जो दीवान ए जागीर, दीवान ए जागीर जो पद है, केंद्रीय अधिकारी है, वह जागीर में वेतन प्रदान करता था, या हम कहेंगे जागीर की जो आय व्यय है, आय व्यय व्यय को देखने वाला, आय व्यय को देखने वाला जो प्रमुख अधिकारी है वो दीवान ए जागीर कहलाता था। उसके बाद हम देखेंगे अगला जो पद है कौन सा है, दीवान ए ब्यूतात। ब्यूतात शब्द यानी जो कारखाना है, कारखाने का प्रमुख अधिकारी होता था, उसे दीवान ए ब्यूतात कहा गया। फिर दूसरा विभाग है सैन्य विभाग, मुगल काल का जो प्रमुख विभाग रहता है कौन सा रहता है? सैन्य विभाग रहता है। अब सैन्य विभाग का जो मुखिया है, जो प्रधान है, जो प्रमुख है, वो कौन है यहाँ पर? मीर बख्शी। कौन रहेगा? मीर बख्शी रहेगा, सैन्य विभाग का प्रधान रहेगा। इसके द्वारा मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश दिए जाते थे, इसकी अनुशंसा पर ही मनसबदार नियुक्त किए जाते थे बादशाह के द्वारा। अब हम देखेंगे जो मीर बख्शी है, यह समय भी क्या था, एक समय भी एक उच्च मनसबदार होता था, उच्च कोटि का मनसबदार होता था जो मीर बख्शी होता था। बादशाह और मनसबदार के मध्य, किसके मनसबदार व बादशाह के मध्य सेतु का कार्य कौन करता था? मीर बख्शी सेतु का कार्य भी करता था। अब मीर बख्शी के द्वारा, किसके द्वारा? मीर बख्शी के द्वारा एक सरकत नामक प्रमाण पत्र होता था, सरकत नामक प्रमाण पत्र होता था जिस पर मीर बख्शी हस्ताक्षर करता था। इसके हस्ताक्षर होने के बाद जो मनसबदार हैं, कर्मचारी आगे, उनको वेतन प्रदान किया जाता था। उसके बाद है धार्मिक विभाग। अगला जो विभाग है धार्मिक विभाग है, धार्मिक विभाग था, गौर से सुनना, इसमें हम देखेंगे सदर उसदूर व काजी उल कुजात के पद हैं, जो दोनों ही पद अधिकतर हम देखेंगे एक ही व्यक्ति के पास होते थे, जिसमें हम देखेंगे सदर उसदूर के कार्य क्या है, काजी उल कुजात के कार्य क्या है। सदर के कार्य है कि धार्मिक मामलों में बादशाह को सलाह देना, किस पर? धार्मिक मामलों पर बादशाह को सलाह देने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? काजी उल कुजात के द्वारा, मीर समा के द्वारा, सदर उसदूर के द्वारा, या मुहतसिब के द्वारा? तो उनमें हम देखेंगे किसके द्वारा? सदर उसदूर के द्वारा। फिर हम देखेंगे जो काजी उल कुजात है, इसका मुख्य कार्य क्या था? यह न्याय विभाग का प्रधान रहता है। किसका प्रधान रहता है? न्याय विभाग का प्रधान रहता है। और मीर अदल का शब्द मिलता है हमें, एक मीर अदल, यह काजी द्वारा सुनाए गए फैसलों को लागू करने का कार्य भी करता था। फिर हम देखेंगे जो सदर उसदूर है, वह उलेमा वर्ग पर क्या रखता था? कड़ी नजर रखता था। फिर एक शब्द हम यहाँ पर देखेंगे, एक कर्मचारी का नाम और मिलता है, जिसका नाम है मुहतसिब नामक पद है, जो प्रजा के नैतिक आचरण की, नैतिक आचरण का निरीक्षण या
देख रेख करता था। कौन? जो मुहत्सिब होता था। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे अगला जो विभाग है वह रहता है घरेलू विभाग, जिसका प्रधान कौन होता था? मीरे समा होता था, घरेलू विभाग का प्रधान होता था। यह कार्य क्या करता था? इसका कार्य था शाही जरूरतों को पूरा करना, शाही जरूरतों को पूरा करने वाला अधिकारी मीरे समा। और बादशाह जा तक जाने की अंतिम सीढ़ी भी से माना जाने लगा था। इसके बाद हम देखेंगे और अन्य जो केंद्रीय अधिकारी हैं यहाँ पर उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे प्रमुख जो अधिकारी हैं, सबसे पहले हम देखेंगे जो मीर ए आतिश है। कौन? मीर ए आतिश। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखेंगे मीर ए आतिश के बाद हम देखेंगे दरोगा ए टकसाल। दरोगा ए डाक चौकी। उसके बाद हम देखेंगे मीरे मुंसिफ। उसके बाद हम देखेंगे एक पद है मुसुद्दी। इसके बाद हम छठे नंबर पर देखेंगे मीर ए बहर। सबसे पहले हम देखेंगे जो मीर ए आतिश है, यह कौन होता था? शाही तोपखाने का प्रमुख अधिकारी। शाही तोपखाने का प्रमुख अधिकारी होता था। फिर हम देखेंगे दरोगा ए टकसा, यहाँ पर सिक्कों का या मुद्रा का निर्माण करने वाला जो प्रमुख अधिकारी होता था, या हम कहेंगे जो टकसाल का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? दरोगा ए टकसाल। फिर है दरोगा ए डाक चौकी, यह क्या होता था? गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला, सूचनाओं को प्रेषित करने वाला अधिकारी होता था। इसके बाद है मीरे मुंसिफ जो है, यह क्या था? शाही समाचारों को छापने वाला, जो शाही समाचार पत्र हैं उनको छापने वाला प्रमुख अधिकारी। मुसद्दी बंदरगाहों की देखरेख करने वाला जो प्रमुख अधिकारी होता था, यहाँ पर हम देखेंगे जो बंदरगाह है, बंदरगाह की प्रशासन की देख रेख करने वाला प्रमुख जो अधिकारी होता था। उसके बाद हम देखेंगे मीरे बहर का कार्य क्या था? शाही नौकाओं की देख रेख करना। जो मुगल काल था, हम मुगल काल में देखेंगे इनकी जो नाविक सेना है उसकी जानकारी, जल सेना की जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन जो मीरे बहर का पद है, कौन सा मीरे बहर का पद है, इससे प्रतीत होता है कि इनके पास जल सेना भी रही होगी, जल बेड़े भी रहे होंगे। फिर से हम देख लेंगे जो प्रमुख अधिकारी हैं, ढंग से हम देख लेंगे एक नज़र और कौन कौन से हैं प्रमुख अधिकारी। उनमें हम देखेंगे मीरे आतिश है। मीरे आतिश का कार्य क्या था? कौन सा अधिकारी था? शाही तोपखाने का प्रमुख अधिकारी था। उसके बाद है दरोगा ए टकसाल, यह टकसाल का प्रमुख अधिकारी होता था। फिर है दरोगा ए डाक चौकी, यहाँ पर हम देखेंगे डाक शब्द आता है, यानी किससे संबंधित है? संदेश से संबंधित है। गुप्तचर विभाग का प्रधान भी कह सकते हैं, या जो शाही सूचनाएं होती थी उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। फिर है मीर ए मुंसिफ पद है, शाही समाचार पत्र छापने वाला जो अधिकारी था। फिर है मुसद्दी जो प्रमुख अधिकारी है, यह बंदरगाह प्रशासन की देखरेख करने का
जिम्मेदार व्यक्ति होता था। उसके बाद है मीरे बहर। मीरे बहर मुगल कालीन शाही नौकाओं की देखरेख करने वाला जो प्रमुख अधिकारी है वो क्या कहलाता था? मीरे बहर कहलाता था।